हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ सिंधी बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। इससे पहले भी हमारे चैनल पे कई एक वीडियोस आपको मिलेंगी बिरयानी की। तो आज हम आपके साथ सिंधी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं सिंधी चिकन बिरयानी। तो चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है, अब हम इसको कुक करेंगे। तो अब हम बिरयानी के लिए कोरमा बना रहे हैं। एक पैन में हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम इसमें इस तरह से कटी हुई प्याज डालेंगे। ये एक मीडियम साइज की प्याज है। अनियन को हम बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही उसमें ब्राउन ऑनियन डाल दी है। तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे 5-6 लौंग डालेंगे, 4 हरी इलायची डालेंगे, 1 से 2 टुकड़े दालचीनी के और 1 फूल हम इसमें बादियान का डालेंगे। मिला देंगे सब चीजों को। अब हम इसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। स्टर करेंगे। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे। चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हुआ है। अब हम ढक्कन लगा देंगे। अब हम आलू डालेंगे इस तरह से जो हमने काट के रखे हैं। ये 2 मीडियम साइज के आलू हैं। स्टर करेंगे। अब फिर ढक्कन लगा देंगे। जिस बर्तन में हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये सारे मसाले और दही वगैरह जो लगा हुआ है ये हम इसमें से इसमें डाल दें और हमारा बर्तन भी साफ हो जाए और ये गोश्त और आलू अच्छी तरह से पक जाए। अब हम फिर ढक्कन लगा लेते हैं। इस तरह से हम चम्मच चलाएंगे ताकि चिकन हमारी हर तरफ से पक जाए। ढक्कन लगा देंगे क्योंकि अब इसमें काफी सारा पानी है। जितनी देर में हमारा कोरमा तैयार होता है हम एक दूसरे बर्तन में चावलों को उबाल लेते हैं। तो चावल उबालने के लिए हमने यहाँ पे पानी ले लिया है। कुछ खड़े मसाले हम डालेंगे जैसा कि 10 से 15 काली मिर्च और 1 हमारे पास बे लीफ है, 2-3 दाने इस तरह से लौंग के लेंगे, 1 बादियान का फूल लेंगे, 2 से 3 हरी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ा चम्मच जीरा, साबुत जीरा, ये डाल देंगे इस पानी में। डेढ़ बड़ा चम्मच नमक डालेंगे। नमक की मिकदार ज्यादा रखेंगे क्योंकि ये पानी हमने इसमें से निकालना है। एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे ताकि चावल आपस में चिपके नहीं।
एक दरमियाने साइज लीमू का रस डाल देंगे, जिससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। पानी उबलना शुरू हो गया है, अब हम इसमें 2.5 कप चावल जो हमने भिगो के रखे हुए हैं 10 मिनट पहले, ये डाल देंगे। चावलों को अब हमने 80-90% तक कुक करना है। तो ये देखें, हमारे चावल तैयार हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और चावलों को छान लेंगे। जो इसका पानी है वो हम ज़ाया कर देंगे। तो कोरमा हमारा तैयार है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। जिस बर्तन में हमने चावल उबाले थे वही वाला हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे अब हम लेयरिंग करते हैं। फर्स्ट लेयर चावलों की होगी। थोड़े से चावल हम यहाँ पे डाल देंगे। तीन से चार हरी मिर्चें डालेंगे और लेमन स्लाइसेस। इसको बेस में ही डालें लेमन स्लाइसेस को, क्योंकि जब हम लेमन स्लाइसेस को बेस में ही डालें क्योंकि अक्सर ये कच्चे रह जाते हैं तो फिर इनका टेस्ट सही नहीं होता। तो बेस में डालेंगे तो उससे ये पक जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तली हुई प्याज, और अब हम कोरमा डालेंगे। सेट कर देंगे। चावल डालेंगे। फ्राई की हुई प्याज, टोमेटो स्लाइसेस जो बच गए थे, और अब आखिर में यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया है, जिसको मैंने अरके गुलाब डाल के इस तरह से लिक्विड बना दिया है। अब हम लो फ्लेम पे 20 मिनट तक बिरयानी को पकाएंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, बिरयानी को अब हम निकाल देंगे। Thank you.
हमारी बहुत ही डिलीशियस सिंधी बिरयानी बनके तैयार है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।